हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स बीड्स एंड बॉन्स। सो आज से हम हिस्ट्री के यहाँ पे जो MCQs हैं वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो इस चैनल के ऊपर आपको 9 से लेकर 12th तक के ये सभी सब्जेक्ट देखने मिलेंगे और साइंस जो होगी वो 7 से लेकर 10th तक की होगी। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यहाँ पे ये सभी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, इनकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सो यहाँ पे हम MCQs स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो इस बार से आपके जो सिलेबस में है वो MCQs भी इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कॉलर फर्स्ट यूज्ड द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इतना मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं कराऊँगा इसको, क्योंकि जो हिस्ट्री के सभी यहाँ पे पार्ट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं, जितने भी यहाँ पे 15 चैप्टर्स हैं और इसकी टोटल 43 यहाँ पे वीडियोस हैं। उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, सो आप वहाँ से जाकर देख लेना, इसकी भी यहाँ पे प्लेलिस्ट बन जाएगी और ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स की भी वीडियोस बन चुकी हैं, क्लियर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने टर्म यूज़ किया इंडस सिविलाइजेशन, वो इनमें से कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं जॉन मार्शल, दयाराम सहनी, एसआर राव और रखालदास बैनर्जी या आरडी बैनर्जी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने जो सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, मेनली चार सिविलाइजेशन है, इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, चाइन और जो चाइनीज सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन हम यहाँ पे इंडस वैली के बारे में डिटेल में देख रहे हैं। सो यहाँ पे जो इंचार्ज थे वो कौन थे? यहाँ पे जॉन मार्शल यहाँ पे इंचार्ज थे और इनके अंडर यहाँ पे दयाराम सहनी और जो आरडी बैनर्जी हैं इन्होंने इनके अंडर काम किया था। और यहाँ पे जो दयाराम सहनी हैं इन्होंने 1921 में हड़प्पा साइट को यहाँ पे खोजा था और मोहनजोदारो जो साइट थी वो 1922 में वो आरडी बैनर्जी के द्वारा यहाँ पे खोजी गई थी। ये दोनों किसके अंडर काम कर रहे थे? ये दोनों जॉन मार्शल के अंडर यहाँ पे काम कर रहे थे। सो ये यहाँ पे इंचार्ज थे, क्लियर है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो फर्स्ट का यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो सेकंड है यहाँ पे, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो किसके द्वारा यहाँ पे खोजा गया था? सो यहाँ पे आ जाएगा दयाराम सहनी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। सो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, जो मोहनजोदारो सिविलाइजेशन थी इसको किसके द्वारा खोजा गया था? सो यहाँ पे आरडी बैनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया था 1922 में। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। सो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, अलोंग विच रिवर हड़प्पा इज सिचुएटेड, जो यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये किस रिवर के ऊपर यहाँ पे सिचुएटेड है, हमने ये बताना है। सो ऑप्शन है यहाँ पे इंडस, रावी, लोनी रिवर, जो सतलुज है। सो यहाँ पे आंसर नंबर आएगा इसका रावी, जो नदी है उसके ऊपर यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये सिचुएटेड है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, अलोंग विच रिवर मोहनजोदारो इज सिचुएटेड। सो यहाँ पे जो मोहनजोदारो है वो किस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? वो इंडस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। सो दोनों में यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये रावी नदी के ऊपर है और यहाँ पे जो मोहनजोदारो है वो इंडस के ऊपर देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट है, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड। सो जो ग्रेट बाथ है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रेट बाथ के बारे में देख लेते हैं। सो जो ग्रेट बाथ है ये बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में होती है, इतना आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे भी डायरेक्ट MCQ बन जाता है कि जो ग्रेट बाथ है वो किस शेप में था, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ठीक है, व्हाटएवर। और यहाँ पे जो इसके चारों तरफ कॉरिडोर देखने को मिलते हैं, जो इसकी स्टेयर्स हैं मेनली ये नॉर्थ, और जैसे ये यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा साउथ, और ये वेस्ट और ये ईस्ट। सो यहाँ पे जो स्टेयर्स देखने को मिलती है वो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे इसके जो तीन साइड में यहाँ पे रूम्स थे, जो चौथी साइड थी वहाँ पे बहुत बड़ा एक वेल था, ठीक है, खू फोर्थ साइड, ठीक है। ये सभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पर डिटेल में किया था, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड इन। सो ग्रेट बाथ कहाँ पे देखा गया था? सो ये देखा गया था मोहनजोदारो में, ठीक है। सो ये आप लोगों ने याद रखना है। सो नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो इसका टाइम पीरियड क्या था?
सो जो इसका टाइम पीरियड था वो था 2500 BC से लेके 1750 BC तक का, ठीक है। सो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। सो नेक्स्ट है, विच क्रॉप इज नॉट ग्रोन इन हड़प्पा और मोहनजोदारो। सो कौन सी यहाँ पे जो फसल है वो इन दोनों के द्वारा नहीं उगाई गई थी। सो यहाँ पे जो वीट है ये भी लोग जानते थे, बेरले पीस ये सभी यहाँ पे जानते थे, लेकिन जो राइस है चावल ये लोग यहाँ पे नहीं जानते थे इसके बारे में, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो इसके रिमेन्स, राइस के जो रिमेन्स हैं वो कौन कौन सी यहाँ पे सिटीज़ है जहाँ पे पाए गए थे, ठीक है। रिमेन्स मतलब कि जो उसके अवशेष हैं, जैसे राइस के जो हश्क मिले थे, ठीक है। हश्क क्या होते हैं, जो राइस के छिलके होते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के, उसको बोलते हैं हश्क। सो ये मेनली कहाँ पे पाए गए थे, ये पाए गए थे यहाँ पे जो लोथल साइट है और यहाँ पे रंगपुर, ठीक है। ये दो साइट्स हैं जहाँ पे बेसिकली जो राइस हश्क हैं ये इनके अवशेष मिले थे यहाँ पे। सो नेक्स्ट है, विच एनिमल इज़ प्रोबेबली नॉट नाउन टू द इंडस पीपल। जो इंडस लोग थे इनमें से कौन सा जानवर ये नहीं जानते थे, ठीक है, या उस समय नहीं था ये। सो यहाँ पे जो इंडस लोग थे वो यहाँ पे एलिफेंट को जानते थे, बुल को भी जानते थे, ठीक है। इनके जो सील्स के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स भी, ठीक है, पुल की पाई जाती हैं, शिप भी ये जानते थे, लेकिन यहाँ पे जो हॉर्स है ये नहीं जानते थे ये, ठीक है, जो इंडस लोग थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द कल्चर ऑफ हड़प्पन वाज बिलोंगिंग टू विच एज। सो जो हड़प्पन लोग थे ये किस एज को बिलोंग करते थे। सो ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज, नियोलिथिक एरा, चार्कोलिथिक पीरियड। सो यहाँ पे जो हड़प्पन से वो ब्रॉन्ज एज को यहाँ पे बिलोंग करते थे। सो ब्रॉन्ज जो होती है मेनली ये कम्बिनेशन होता है कौन कौन सी मेटल का, यहाँ पे कॉपर और टीन का, ठीक है। इन दो मेटल्स को मिलाकर यहाँ पे ब्रॉन्ज तैयार की जाती है। सो नेक्स्ट है, डिड द पीपल ऑफ हड़प्पा बिलीव्ड इन लाइफ डेथ आफ्टर। मतलब कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे या नहीं। हाँ, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे जो हड़प्पन लोग थे। सो एक्चुअल में जब यहाँ पे जो इनकी डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, मेनली जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाया जाता है, सो यहाँ पे बहुत सारे पोइट्री, जो पोइट्री, ठीक है, बर्तन थे मिट्टी के या ऑर्नामेंट्स थे, वो भी साथ में मिले गए मिले थे जो इनकी डेड बॉडीज थी। और साथ में यहाँ पे हमने एक डायग्राम भी देखी थी जो आई थिंक फर्स्ट पार्ट में करा था हमने, जो कॉपर मिरर, ठीक है, कॉपर मिरर की पिक्चर थी, ठीक है, वो भी यहाँ पे उनके अवशेष मिले थे डेड बॉडीज़ के साथ। सो ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि ये अपने साथ यहाँ पे सामान लेकर जाते थे, मतलब कि डेड बॉडीज़ के साथ दफना देते थे। सो ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, पशुपति महादेव सील वॉज फाउंड इन। सो यहाँ पे जो पशुपति महादेव सील है ये कहाँ पे फाउंड हुई थी, गुप्ता पीरियड में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, मौर्या पीरियड्स में या मुगल पीरियड्स में। सो यहाँ पे जो पशुपति महादेव की जो सील्स हैं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लास्ट पार्ट में करा था इनके बारे में। सो उस समय में जो मेन गॉड थे जिनकी पूजा की जाती थी, हड़प्पन लोग करते थे, वो महादेव की पूजा किया करते थे, ठीक है। उसके चारों ओर यहाँ पे एनिमल्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं। सो ये हमने डिटेल में किया था। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, डांसिंग गर्ल देवदसी जो फिगर है ये कहाँ पे पाई गई थी और ये किस चीज़ की यहाँ पे बनी हुई है। सो यहाँ पे जो डांसिंग गर्ल है ये ब्रॉन्ज की यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, यानी कि कॉपर और टीन को मिलाकर यहाँ पे इसका निर्माण किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट है, विच गेम वॉज नाउन टू द इंडस पीपल। कौन सी ये गेम खेलते थे, ये खेलते थे यहाँ पे डाइस, ठीक है। सो ये आप लोगों ने याद रखना है। सो नेक्स्ट है, द मेटल दैट डज नॉट डिस्कवर्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो इनमें से कौन सी मेटल है जो इनके द्वारा नहीं खोजी गई थी। सो कॉपर ये जानते थे, गोल्ड के बारे में भी जानते थे, सिल्वर के बारे में भी जानते थे, लेकिन ये आयरन के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सो इसके बारे में, ये मेटल के बारे में नहीं जानते थे। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, लेटेस्ट साइट फाउंड इन इंडस सिविलाइजेशन। सो कौन सी यहाँ पे लेटेस्ट साइट है जो इंडस सिविलाइजेशन के द्वारा यहाँ पे खोजी गई थी। तो याद रखना है यहाँ पे धोलावीरा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। सो ये लेटेस्ट साइट है जो अभी भी यहाँ पे खोजी गई है, ठीक है। कब खोजी गई है सो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है।
सो नेक्स्ट है व्हाट लेड टू द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पे जो खात्मा था, कैसे वो ख़त्म हुई थी. सो इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्यंस के द्वारा हमला किया गया था. हाँ सही है, इनके द्वारा हमला किया गया था. रिकरेंट फ्लड्स, ऐसा भी यहाँ पे अनुमान लगाया जाता कि रेगुलर यहाँ पे फ्लड्स आते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे आता था. सो जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई. थर्ड यहाँ पे अर्थक्वेक, ये भी अनुमान लगाए जाते थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते थे. सो ऐसे में यहाँ पे ऊपर वाले सभी यहाँ पे सही हैं. सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. सो यही सभी कारण है यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ पे ख़त्म किया गया. सो नेक्स्ट है हु वॉज द मेन मेल गॉड वर्शिप्ड बाय इंडस पीपल. सो इंडस जो लोग थे उनके द्वारा जो मेल गॉड की यहाँ पे पूजा की जाती थी वो कौन थे, ठीक है. सो ऑब्वियस लॉर्ड शिवा की यहाँ पे पूजा की जाती थी, जैसा कि मैंने लास्ट में भी बताया था. सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा. विच अमंग द फॉलोइंग वॉज वर्शिप्ड बाय द इंडस पीपल. सो इंडस जो लोग हैं उनके द्वारा जो पूजा की जाती थी वो किन किन की पूजा की जाती थी. स्टोन्स की भी पूजा करते थे, ट्रीज की भी पूजा करते थे, एनिमल्स यहाँ पे सभी की पूजा करते थे. सो ऑल ऑफ द अबव. सो 19 का डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा. द फर्स्ट मेटल मोस्ट वाइडली यूज बाय द इंडस वैली पीपल. सो इनमें से जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट मेटल, सो कौन सी है जो इनके द्वारा यूज़ की गई थी. सो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, टीन. सो यहाँ पे जो कॉपर है ये सबसे पहले इंडस जो लोग हैं इनके द्वारा खोजी गई थी और इनके द्वारा ही यूज़ की गई थी. सो ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कॉपर इनके द्वारा ही यहाँ पे फर्स्ट यूज़ की गई थी पूरे विश्व में से. सो नेक्स्ट है विच एनिमल इज़ एनग्रेव्ड ऑन मोस्ट ऑफ द हरप्पन सील्स. सो यहाँ पे ज़्यादातर जो एनिमल्स की यहाँ पे सील्स के ऊपर तस्वीर लगाई जाती है वो इनमें से कौन है. सो हम्पलेस बुल या यूनिकॉर्न हो जाएगा, एलिफेंट, बिशन, टाइगर. सो इनमें से ऑप्शन नंबर आएगा ए, जो यहाँ पे यूनिकॉर्न या जो बुल होते हैं, ठीक है. टेराकोटा की बहुत सारी पिक्चर्स पाई गई थी, ठीक है. सो ऐसे में या जो यूनिकॉर्न होते हैं, सो इनकी ज़्यादातर यहाँ पे सील्स पाई गई हैं तस्वीर वाली. सो नेक्स्ट है यहाँ पे हड़प्पन वीपन्स वर मेड ऑफ. जो हड़प्पा के जो लोग थे वो जो हथियारों का निर्माण करते थे वो किस चीज़ से करते थे. सो स्टोन, कॉपर, ब्रॉन्ज, ठीक है, ये सभी से वो हथियारों का इस्तेमाल करते थे. सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर. सो इनमें से कौन सा एनिमल है जो सील्स या जो आर्ट इनके द्वारा बनाई जाती थी वो इनको ड्रॉ नहीं करते थे सील्स के ऊपर. सो यहाँ पे ऑप्शन है काओ, एलिफेंट, रीनो, टाइगर. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा काओ. सो यहाँ पे जो काओ की सील्स यहाँ पे हमें ऐसी कोई भी देखने को नहीं मिली है, बाकी सभी जानवरों की यहाँ पे सील्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में सभी यहाँ पे दिखाए हुए हैं. सो विच ऑफ दिस क्रॉप ग्रोन बाय हड़प्पन फर्स्ट इन द वर्ल्ड. सबसे पहले जो क्रॉप है वो हड़प्पन के द्वारा कौन सी उगाई गई थी, कॉटन, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है. कॉटन जो क्रॉप है सबसे पहले वो हड़प्पन्स के द्वारा उगाई गई थी. सो नेक्स्ट है टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज. सो टाउन प्लानिंग थी जो इंडस की वो कैसी थी, ग्रिड पैटर्न, सर्कुलर, हेक्सागन या ऑक्टागोनल. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा ग्रिड पैटर्न की उनकी जो टाउन प्लानिंग होती थी. सो बेसिकली ये कैसी होती थी, सो ऐसे में इनके जो मेन रोड्स होते थे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होते थे, और जो वैलीज होती थी, जो सड़कें होती थी कच्ची, ठीक है, वो होती थी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में. सो यहाँ पे पहले क्या करते थे, घर बनाने से पहले यहाँ पे ड्रेन सिस्टम बनाए जाते थे, बाद में यहाँ पे घरों का निर्माण किया जाता था. सो ऐसे यहाँ पे जो इनका स्ट्रक्चर था वो बहुत ही यहाँ पे अप टू डेट था, मतलब कि आज के समय जैसे हमारा यहाँ पे सिस्टम है अंडरग्राउंड सिस्टम हो जाएगा पानी निकालने का, ठीक है, जैसे सीवरेज सिस्टम, वो सभी यहाँ पे पहले हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में. सो ग्रेट पैटर्न आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे. सो नेचर ऑफ द स्क्रिप्ट वास, जो यहाँ पे स्क्रिप्ट थी वो किस नेचर में यहाँ पे पाई जाती है, वो यहाँ पे पिक्टोग्राफिक फॉर्म में होती है जो इनकी स्क्रिप्ट थी, ठीक है, इट मीन्स उनके ऊपर यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलती हैं, ठीक है. सो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा गाइस. सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें मैक्सिमम, सो उनकी भी मदद हो सके, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ले सकें. ऐसे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कंप्लीट आपको यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, हर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे.
सो अपने आसपास सफाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।